तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन प्रशासन की तानाशाही के विरोध में आज हमने हड़ताल करी है। सन 2012 के अंदर यातायात जाम की वजह से रूट नंबर 4, रूट नंबर 5, रूट नंबर 7 को कहा गया, टीएमसी की मीटिंग में ऑर्डर निकाले गए थे कि इन्हें 15 दिन सहायक मार्ग चलना पड़ेगा, 15 दिन मुख्य मार्ग चलना पड़ेगा। उसके उपरांत आज इन्होंने जब 6 साल बाद में जब यातायात और बढ़ाना है, यातायात और बढ़ा है, उसके उपरांत यातायात बढ़ने, मोटरसाइकिलें बढ़ी है, कारें बढ़ी है, सब बढ़ी है, उसके उपरांत इन्होंने ये राज्य सरकार की बजट चलाई इस चीज़ होकर के। इस विरोध में हमने 4 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, एक कलेक्टर साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी। इस विरोध में हमने हड़ताल की आज के। आपका नाम सर? राजेश यादव। हमारी मांगे ऐसा है, जो सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार मानो तो ऐसे 15 दिन अंदर 15 दिन बाहर जो वैकल्पिक मार्ग के लिए बाध्य किया जा रहा है, रूट नंबर 4, रूट नंबर 5, रूट नंबर 7, इसको हमारे उसमें सीले लगा रही है आरटीओ ऑफिस की तरफ से कि आप वो यातायात का दबाव पड़ रहा है इसलिए इन गाड़ियों को आप बाहर चलाएं जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक ही मोटिव ये है क्या कि टेम्पो की वजह से सन 2000 से हमारे परमिट बंद पड़े हैं, सिटी के गाड़ियाँ वो की हुई है, गाड़ियाँ कोई बड़ी नहीं है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और प्रशासन हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि बोले इनको बाहर चलाओ, और उसके कंपेयर में ये गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ चला दी है और नगरीय सेवा और उपनगरीय सेवा, और पूरा रोड खुदा पड़ा है। अभी रोड की कंडीशन क्या है, एक तरफ ये कहते हैं स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी बनने लायक तो हो, चलने लायक तो हो, उसके बाद में फिर कहना है मतलब ये होना चाहिए, और ज्ञापन पे ज्ञापन और वो ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसका कोई हमारे समाधान नहीं कर रहा है, आश्वासन पे आश्वासन। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया हमने, उनको अपने डिप्टी आरटीओ साहब को ज्ञापन दिया, उसका कोई हमारा समाधान नहीं है। हमने 29 तारीख को ज्ञापन दिया था कलेक्ट्री के अंदर आके, कलेक्टर उन्होंने हमारा हमने हमारी मांगे पूरी रखी थी, भाई हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम सामूहिक रूप से वो हड़ताल का किया जाएगा। देखो अभी हमारा सामूहिक हमारी मीटिंग होगी, अगर निर्णय नहीं होगा तो ये आगे भी चलेगा। अब आप ये देखो ना, आप ये बड़ी गाड़ियाँ चल रही, बताओ बड़ी गाड़ियाँ क्या कहाँ से, ये हिसाब किताब बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, आप मेरी बात सुनिए। अब ये बताइए आप, अब हमें यातायात का दबाव नहीं पड़ रहा है क्या? अभी अभी यातायात का दबाव पड़ रहा है ना, छोटी गाड़ियों का 5000 लोगों का, देखिए ड्राइवर कंडक्टर और मोटर मालिक 5000 और लोगों की रोटी रोजी छिन रही। नहीं तो बंद हो जाती तो आप क्या करें साहब? ऐसा है, पीठ पे खा लेंगे, पेट पे नहीं खाएंगे। मेरा नाम यासिन खान, उपाध्यक्ष सिटी बस यूनियन अध्यक्ष। आपका